हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ग्रेड 10 का चैप्टर नंबर 12 जो कि है इलेक्ट्रिसिटी। इससे पहले कि हम ये चैप्टर स्टार्ट करें, इस चैप्टर के बारे में हमको दो चीजें जाननी बहुत ज्यादा जरूरी हैं। पहली जो इंपॉर्टेंट चीज है, ये जो चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी, आपको पता ही होगा कि हमको ग्रेड 10 के बाद स्ट्रीम्स ऑप्ट करनी होती हैं। हमारे पास तीन ऑप्शंस होते हैं, साइंस, कॉमर्स एंड आर्ट्स। सो आप सभी में से भी जो भी बच्चे साइंस स्ट्रीम चूज करने वाले हैं ग्रेड 10 के बाद, उनके लिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ग्रेड 11th और ग्रेड 12th की फिजिक्स में इस चैप्टर के काफी सारे कॉन्सेप्ट यूज हैं, और मेजरली ग्रेड 12 की फिजिक्स में इसके ऊपर पूरा एक चैप्टर बेस्ड है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। सो अगर आपके फंडे यहां पे क्लियर हो गए तो आपको वहां पे भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, इस चैप्टर को पढ़ने इसलिए जरूरी है क्योंकि इसके बाद जो हम नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, वो इसी के बेसिक कंसेप्ट पे बेस्ड है। अगर आपके कंसेप्ट इस वाले चैप्टर में क्लियर नहीं होंगे तो आपको वहां पे भी डिफिकल्टी आएगी। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस चैप्टर, मजे में पढ़ेंगे और हर चीज बेसिक से लेके सीबीएसई लेवल तक सब कुछ समझते हुए चलेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। अगर मैं आपसे एक लेमन टर्म में पूछूं कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, सो आप में से कुछ बच्चे मुझे बोलेंगे, सर इलेक्ट्रिसिटी एक लाइट होती है, जो लाइट हमारे घरों में आती है, हमारे ऑफिसेज में आती है, इंस्टीट्यूट्स में आती है, स्कूल्स में आती है, इलेक्ट्रिसिटी एक लाइट है। कुछ बच्चे आप में से मुझे बताएंगे कि इलेक्ट्रिसिटी कुछ नहीं है सर, बेसिकली करंट होता है। अगर मैं एक लेमन टर्म्स में पूछूं तो आप में से कुछ बच्चे बोलेंगे, सर जो करंट हमारे घरों में आता है या कहीं पे भी आता है, जहां पे भी हम कुछ इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट यूज करते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी है। बात तो उनकी भी सही है। और कुछ बच्चे आप में से मुझे बोलेंगे कि सर इलेक्ट्रिसिटी करंट नहीं है ना लाइट नहीं है, ये तो एक एनर्जी है। सो इन तीनों में से क्या चीज आपके अकॉर्डिंगली एकदम सही है, क्या वो लाइट है, करंट है या एक एनर्जी है? अगर वास्तव में देखा जाए तो तीनों ही एकदम एब्सोल्युटली करेक्ट है। वो एक लाइट भी है, एक करंट भी बोल सकते हैं और एक एनर्जी भी है। उसी तरीके से अगर आपने कभी आपने ग्रेड 8 में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कि जब रेनी सीजन होता है, जब बारिश होती है, तो जो क्लाउड्स होते हैं उनके बीच में लाइटनिंग होती है। द लाइटनिंग विल टेक प्लेस ड्यूरिंग अ रेनी सीजन। सो वो क्या है? वो भी तो एक काइंड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी को हिंदी में बिजली बोलते हैं, उसको भी बिजली ही बोलते हैं आप लोग। सो वो वाली लाइट और ये वाली लाइट अलग है, यही तो हमको जानना है। इससे पहले हम ये चैप्टर स्टार्ट करें, हमको पहले जानना ये जरूरी है कि इलेक्ट्रिसिटी है क्या। जो इलेक्ट्रिसिटी है उसका मीनिंग उस वर्ड में ही छुपा हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी। अगर इस वर्ड को मैं बीच में से ब्रेक कर दूं यहां से, सो इलेक्ट्रिक अलग हो जाएगा, सिटी अलग हो जाएगा। सो इसका अगर आपसे कोई भी पूछे कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, आप उसको सीधा बोलिए, इलेक्ट्रिसिटी कुछ नहीं होती बट होती है इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक आया इलेक्ट्रिक वर्ड से, सिटी आया और चार्ज आया सिटी वर्ड से, जो कंबाइन होके एक साथ बना इलेक्ट्रिक चार्ज। और जब हम इस इलेक्ट्रिक चार्ज की पढ़ाई करते हैं, जब हम इस इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टडी करते हैं, तभी इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी। सिंपली राइट यू कैन से इट इज अ स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अब आप में से कुछ बच्चे सोच रहे होंगे, सर आपने हमको ये बता दिया कि ये चैप्टर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत सही। अब आप में से कुछ बच्चे भी बोल रहे होंगे कि आपने ये भी बता दिया इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है, ये भी बहुत अच्छी बात है, पर हम इस चैप्टर में एग्जैक्टली पढ़ेंगे क्या, इस चैप्टर से हमको सीखना क्या है, क्या आउटकम होंगे इस चैप्टर के। सो लेट्स पहले बात कर लेते हैं कि इस चैप्टर से हमारी लर्निंग क्या रहेगी। बेसिकली इस चैप्टर को मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4। पहली चीज जो हमें इस चैप्टर में जाननी जरूरी है इज व्हाट कॉन्स्टिट्यूट इलेक्ट्रिसिटी।
कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो क्यों है भाई, अगर इलेक्ट्रिसिटी हमें मिल रही है तो कैसे मिल रही है, क्या रीजन है उसके होने का, वो कैसे एग्जिस्ट करती है, जो कि हम सीखेंगे फर्स्ट पार्ट में इस चैप्टर के। जो सेकंड पार्ट है उसमें हमें फाइंड आउट करना है दैट हाउ डस करंट फ्लो इन अ सर्किट। अब आप सभी जानते हैं कि जो भी आप इलेक्ट्रिसिटी आप यूज कैसे करते हैं, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स में ही तो यूज करते हैं, चाहे आपका वो फ्रिज हो, चाहे वो आपकी वॉशिंग मशीन हो, आपका टेलीविजन हो, एनीथिंग, जो भी आप इलेक्ट्रिक आइटम यूज कर रहे हैं उस सभी में इलेक्ट्रिसिटी है। पर वो जो इलेक्ट्रिसिटी है वो हवा में तो फ्लो करती नहीं है, करती है क्या? मान लीजिए अगर इलेक्ट्रिसिटी हवा में फ्लो करती तो हम सबको तो करंट लगने लग जाता। इलेक्ट्रिसिटी हमेशा फ्लो करती है सर्किट में, तभी आपके जितने भी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स होते हैं उनमें सब में एक कॉर्ड होती है, ताकि आप उसको किसी स्विच से कनेक्ट करें ताकि वो प्रॉपरली फंक्शन कर सके। तो उसके लिए हमको सर्किट जानना बहुत जरूरी है कि सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी कैसे फ्लो होती है, ताकि वो इक्विपमेंट सही से चल सके। जब हम पार्ट वन और पार्ट टू डिस्कस कर लेंगे तभी हम पार्ट थ्री पे आ पाएंगे, दैट व्हाट फैक्टर्स कंट्रोल और रेगुलेट इलेक्ट्रिसिटी। अब हमने ये जान लिया कि इलेक्ट्रिसिटी एग्जिस्ट कैसे करती है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कैसे करती है। अब लेट सपोज कि अगर इलेक्ट्रिसिटी आ रही है और वो एक लार्ज अमाउंट में आ रही है, लेट सपोज आप हर एक जो डिवाइस होता है आपने अगर कभी गौर से देखा हो तो उस पर एक वोल्टेज डिफाइंड रहती है, जैसे 220 वोल्ट और 20 वोल्ट और समथिंग। इसका मतलब यह होता है कि हर एक डिवाइस को प्रॉपरली फंक्शन करने के लिए एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ वोल्टेज चाहिए होती है, तभी वो डिवाइस प्रॉपरली फंक्शन कर सकता है। लेट सपोज एक डिवाइस को 20 वोल्ट ही रिक्वायर्ड है प्रॉपरली फंक्शन करने के लिए, पर जो हमारे पास आ रही है 1000 वोल्ट आ रही है हमारे पास, और हमने 1000 वोल्ट उसको ऐसी की ऐसी डाल दी उसको इक्विपमेंट में, क्या होगा? अगर आप जिस डिवाइस को 20 वोल्ट की इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है, 20 वोल्ट की एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, उसमें आप 1000 वोल्ट की वो इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करा दोगे उसके अंदर, तो क्या होगा? वो डिवाइस ड्यू टू ओवरलोडिंग वो डिवाइस खराब हो जाएगा। तो हमारे लिए तो डिवाइस खराब हो गया, तो हमारे लिए तो इलेक्ट्रिसिटी किसी काम की नहीं रही। सो हर डिवाइस के लिए हम बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसी फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसको हम अपने अकॉर्डिंग रेगुलेट कर सकते हैं। रेगुलेट करने का मतलब हम अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल कर सकते हैं। तो यही हम पार्ट थ्री में सीखेंगे कि हम बेसिकली कौन से वो फैक्टर्स हैं जिनके बेसिस पे हम इस इलेक्ट्रिक एनर्जी को कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर मैं मोर स्पेसिफिकली आप लोगों से बात करूं तो इसमें हम पढ़ेंगे ओम्स लॉ के बारे में। ओम्स लॉ ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉ है, सो इसके बारे में हम पार्ट थ्री में डिस्कस करेंगे। और जो इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है उसमें हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कि जो इलेक्ट्रिसिटी जब भी फ्लो करती है किसी भी डिवाइस में, आप देखो कोई भी डिवाइस में अगर आप बहुत देर तक इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराओगे तो कुछ टाइम के बाद वो इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो की वजह से वो डिवाइस गर्म हो जाता है। सो उसको बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। सो उसका क्या यूज है, वो क्या होता है, वो हम पार्ट फोर में डिस्कस करेंगे। सो ये चारों पार्ट जब हमें इन चारों पार्ट के आंसर मिल जाएंगे तब हम समझ जाएंगे कि हमने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ लिया, अब हमसे कुछ भी पूछ लो। सो लेट्स स्टार्ट ओवर हियर। इससे पहले कि हम ये चैप्टर स्टार्ट करें हमको कुछ चीजें जो ऑलरेडी बुक में नहीं है वो जाननी जरूरी है हमारे लिए, तभी हमारे जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो स्ट्रांग हो पाएंगे। और अगर मैं एक सिंपल वर्ड में बोलूं तो आपको एक कहानी सुननी पड़ेगी। अगर आप ये कहानी सुन लोगे 2-3 मिनट की ये जो कहानी है तो आप जो भी कॉन्सेप्ट अभी हम डिस्कस करने वाले हैं वो आपके एकदम थ्रू आउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हम लोगों के पास जितने भी ऑब्जेक्ट है हमारे आसपास या जो भी हम यूज कर रहे हैं अभी या जो भी है, चाहे मैं कह लूं ये ब्लैक बोर्ड है, ये चौक है, या आप कहीं पे भी देख रहे हो वो सिस्टम है, डेस्कटॉप है, आप बैठे हो, चेयर है, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे आसपास सभी के सभी बने होते हैं मैटर से। ये तो सबको क्लियर है कि सभी के सभी ऑब्जेक्ट्स बने होते हैं मैटर से,
ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर द कॉम्बिनेशन ऑफ मैटर्स ओनली, ठीक है। अब इन जो मैटर्स को हम दो बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं, अगर मैं आपको साइंटिफिक टर्म में बोलूं तो हम मैटर्स को दो बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं। पहला होता है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल क्लासिफिकेशन, एज द नेम सजेस्ट फिजिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल का मतलब भाई वो दिखता कैसा है, कैसा है, कैसा नहीं है। सो फिजिकल बेसिस पे हम तीन कैटेगरीज में उसको कैटेगराइज करते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये जो हमारा मैटर है वो इनमें से क्या है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। इन तीन बेसिस पे हम उसको फिजिकल क्लासिफिकेशन के बेसिस पे हम अपने मैटर को क्लासिफाई करते हैं, बहुत सही। अब जो दूसरा आता है वो आता है केमिकल क्लासिफिकेशन। जो केमिकल क्लासिफिकेशन के बेसिस पे हम मैटर्स को क्लासिफाई करते हैं, हम टू कैटेगरीज में करते हैं इसके बेसिस पे, टू कैटेगरीज। एक तो होते हैं प्योर सब्सटेंसेस और एक होते हैं मिक्सचर्स। अब हमने अपने जो मैटर है उसको केमिकल क्लासिफिकेशन के बेसिस में दो कैटेगरी में बांट दिया, एक आप कह लो प्योर सब्सटेंसेस जो बिल्कुल ही प्योर होते हैं, और एक होते हैं मिक्सचर। मिक्सचर्स होते हैं जिनमें थोड़ी सी इंप्यूरिटीज मिली हुई होती हैं, ठीक है। यहां तक कहानी क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब ये जो प्योर सब्सटेंसेस होते हैं इनको हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं दो कैटेगरी में, एक तो होते हैं एलिमेंट्स और एक होते हैं कंपाउंड्स, और दूसरे होते हैं कंपाउंड्स। लेट सपोज मेरे पास एक एलिमेंट है यहां पे इस तरीके का, ठीक है। अब मैंने इस एलिमेंट को बीच में से डिवाइड कर दिया, ठीक है। जब मैंने बीच में से डिवाइड कर दिया तो मेरे पास इस तरीके का एक जब ये डिवाइड हुआ तो एक पीस इस तरीके का आ गया, ठीक है भाई। मैंने इसको फिर डिवाइड कर दिया, फिर दोबारा डिवाइड करने के बाद मेरे पास एक पीस आ गया इस तरीके का, मतलब दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ। ये डिवाइड करने का दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ है पर मैं उसमें से एक ही पीस ले रहा हूं, चलो हमारा काम तो एक ही में हो जाएगा, एक ही ले लेते हैं। फिर इस तरीके का हो गया, मैंने इसको फिर दोबारा डिवाइड कर दिया यहां बीच में से। जब डिवाइड कर दिया तो फिर दोबारा हमारे पास एक एलिमेंट आ गया लाइक दिस। अब मैंने इसको फिर डिवाइड कर दिया, मैंने इसको उस स्टेज तक डिवाइड करा अनलेस एंड अनटिल वो ऐसी स्टेज पे पहुंच जाए कि वो फर्दर डिवाइड ही ना हो पाए, समझ में आई बात। फिर दोबारा रिपीट करता हूं, मैंने एक एलिमेंट लिया उसको डिवाइड कर दिया, मेरे पास दो पीस आए, मैंने एक पीस फिर दोबारा लिया उसको फिर डिवाइड कर दिया, उसमें से फिर दो पीस हो गए। फिर मैंने एक पीस लिया उसको फिर दोबारा डिवाइड करा, इस सीरीज को मैं कंटिन्यू करता गया एन टाइम्स तक, मतलब तब तक करता गया जब तक वो इतना छोटा नहीं हो गया कि वो फर्दर डिवाइड ही ना हो पाए। ऐसे पीस ऑफ एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं, ऐसे पीस ऑफ एलिमेंट को हम बोलते हैं एटम। जितने भी हमारे मैटर्स होते हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट्स आपके आसपास हैं, सभी बने होते हैं मैटर्स के कॉम्बिनेशन से, ठीक है। अब वो जो मैटर होते हैं वो एकदम लास्ट स्टेज तक एलिमेंट्स की फॉर्म में आपको मिलेंगे। अब जब इन एलिमेंट्स को आप उस स्टेज तक ले जाओगे कि वो फर्दर और छोटे ना हो पाए, उसको बोलते हैं एटम। तो अगर मैं आप लोगों से ये बोलूं कि जो हमारे मैटर्स होते हैं वो एटम्स के बने होते हैं, कि वो मैं सही बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं, आप बोलोगे सर सही बोल रहे हो, आपने इतनी बड़ी कहानी सुनाई, एट द एंड हमारा रिजल्ट यही रहा कि जो मैटर्स होते हैं, जो मैटर होते हैं उसमें उसका जो सबसे छोटी और टाइनी यूनिट होती है वो एटम होती है, सही बात है। अब ये जो एटम होते हैं, इधर सुनो कहानी थोड़ी, अब ये जो एटम होते हैं हमारे, ये एटम को भी हम तीन कैटेगरी में क्लासिफाई कर लेते हैं, तीन कैटेगरी में हम क्लासिफाई कर लेते हैं एटम्स को, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ई से हमें समझ में आता है इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ई लिखा है हमने, ई डिनोट्स इलेक्ट्रॉन है, पी डिनोट्स प्रोटॉन एंड एन डिनोट्स न्यूट्रॉन। अच्छी बात है सर, आपने बता दिया एटम मैटर बने होते हैं एटम्स के, और एटम्स के भी तीन पार्ट होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब चलो आगे सुनते हैं। अब ये जो एटम होते हैं, ये जो न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, इनके होते हैं चार्जेस।
अगर मैं आपसे पूछूं इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, आप सीधा बोल सकते हो सर ये तो नेगेटिवली चार्ज्ड होते हैं, सही बात है। अगर मैं पूछूं प्रोटॉन, ये होते हैं पॉजिटिवली चार्ज, इसलिए मैंने प्लस साइन लगा दिया। अब ये जो न्यूट्रॉन होते हैं, ना तो ये पॉजिटिव होते हैं और ना नेगेटिव होते हैं, तो मैंने यहां पे जीरो लिख दिया, मतलब ये न्यूट्रल होते हैं कि ना तो मैं इसकी तरफ हूं ना उसकी तरफ हूं। तो एक तरीके से अगर मैं आपसे पूछूं तो एटम सिर्फ दो चीजों का बना होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, और जो न्यूट्रॉन होता है वो तो न्यूट्रल होता है, भाई मैं तो हूं पर मैं तो बीच बीच में हूं, ना तो मैं इस साइड हूं ना उस साइड हूं। यहां तक क्लियर? चलो, तो इस कहानी से हमको क्या पता लगा, इतनी लंबी चौड़ी आपने आपके मन में आ रहा होगा सर आपने इतनी लंबी चौड़ी कहानी तो हमें सुना दी, अब इससे हमें पता क्या लगा? अरे इस कहानी को बताने का रीजन ये था कि जब आपको पता लग गया कि मैटर जो होते हैं वो हमारे एटम्स के बने होते हैं और एटम कंप्राइज होते हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के, तो यहीं से जो थ्योरी है चार्जेस की थ्योरी हमको यहीं से मिली कि जो चार्ज होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, या तो पॉजिटिव होते हैं या नेगेटिव होते हैं। नेगेटिव वालों को हम सिंपली बोल देते हैं इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव वालों को सिंपली बोलते हैं प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन की भी एक वैल्यू होती है माइनस ई, इसकी वैल्यू होती है -1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, ठीक है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन में इतना चार्ज होगा। सिमिलरली प्रोटॉन, प्रोटॉन में प्लस लगेगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव था इसलिए माइनस लगाया था, उसमें होगा 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, मतलब एक प्रोटॉन में इतना चार्ज होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है, जस्ट नोट इट डाउन। सो अब हमको कहानी से पता लग गया कि जो चार्जेस होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, या तो होते हैं पॉजिटिव चार्जेस या तो होते हैं नेगेटिव चार्जेस, ये हमको अब तक पता लग चुका है, ठीक है। अब ये जो चार्जेस होते हैं इनकी होती है खुद की कुछ प्रॉपर्टीज, ओके, उन जो कुछ प्रॉपर्टीज होती है उसमें से जो दो मेन प्रॉपर्टीज होती हैं वो ये होती हैं। तो जो पहली प्रॉपर्टी है वो ये है कि जो लाइक चार्जेस हैं वो रिपेल करते हैं ईच अदर, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि अगर आप इसको एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू इजिली समझ सकते हो, आपने कभी मैग्नेट्स देखे हैं? मैग्नेट्स तो देखे ही होंगे आप सबने। सो जब भी आप बार मैग्नेट लो कोई भी, वो कुछ इस तरीके के होते हैं, उनके एंड पे होता है एक नॉर्थ पोल एक होता है साउथ पोल, दूसरे के भी होगा एक नॉर्थ पोल एक होगा साउथ पोल। जब आप दो बार मैग्नेट्स को एक साथ लोगे तो जो नॉर्थ है वो तो एक जैसा रहेगा, मतलब एक जैसे रहने का मतलब मेरा यहां पे ये है कि वो सिमिलर प्रॉपर्टीज शो करेगा। प्रॉपर्टीज मतलब ये भी एक नॉर्थ पोल है ये भी एक नॉर्थ पोल है, तो इनकी जो प्रॉपर्टीज होंगी ना, मतलब प्रॉपर्टीज मतलब वे ऑफ बिहेविंग और वे ऑफ रिएक्टिंग वो एग्जैक्टली सेम होंगी। और ये जो साउथ पोल है और ये जो साउथ पोल है इनकी प्रॉपर्टीज यू कैन से वे ऑफ बिहेविंग और वे ऑफ रिएक्टिंग वो एग्जैक्टली सेम होंगी। सो जब आप इन दोनों बार मैग्नेट्स को एक साथ एक दूसरे की तरफ लाने के लिए कोशिश करोगे तो आप ऑब्जर्व करोगे कि जब आप नॉर्थ साउथ इस तरीके से है और हमारे पास एक अनदर बार मैग्नेट है जो कि है साउथ और एक नॉर्थ, जब आप इन दो मैग्नेट को एक साथ लाने की कोशिश करोगे तो एक दूसरे के पास आने के बजाय एक दूसरे से दूर जाएंगे, लाइक दिस। रीजन बीइंग ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हम जब दो सिमिलर पोल्स को या दो सिमिलर एलिमेंट्स को जिनकी एग्जैक्टली सेम प्रॉपर्टी है और यू कैन से जो एक्चुअली सेम चार्ज एक्वायर करते हैं, सेम चार्ज एक्वायर करने का मतलब ये है मेरा यहां पे कि वो जो सेम प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस को दर्शाते हैं, ऐसे चार्जेस को जब हम पास लाएंगे तो वो एक दूसरे के पास आने के बजाय एक दूसरे से सेपरेट होंगे, दूर भागेंगे और मूव अवे फ्रॉम ईच अदर। यही चीज चार्जेस में भी एप्लीकेबल होती है। ये तो आपका एक प्रैक्टिकल डे लाइफ
डेली लाइफ एग्जाम्पल था जो कि मैंने आपको यहां दिया, ये आप टेस्ट भी कर सकते हैं, ये बिल्कुल ट्रू है, ठीक है। सो ये पहली जो प्रॉपर्टी है वो ये बोलती है कि जब हम दो लाइक चार्जेस, लाइक चार्जेस मतलब एक जैसे, सिमिलर, लाइक का मतलब है सिमिलर, जब हम दो एक जैसे चार्जेस को एक दूसरे के पास लाते हैं तो वो एक दूसरे से दूर भागते हैं, दे विल मूव अवे फ्रॉम ईच अदर। ये है द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। सिमिलरली हमारी जो दूसरी प्रॉपर्टी है वो जस्ट इसके अपोजिट है, जस्ट इसका उल्टा कर दो आप, कि अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, अनलाइक मीन्स जो एक जैसे नहीं है। इसके लिए भी बाहर मैग्नेट का एग्जाम्पल ही बहुत अच्छा है कि सिमिलरली जब आपके पास फिर दोबारा दो बाहर मैग्नेट है जिसके नॉर्थ पोल है साउथ पोल है, नॉर्थ पोल है साउथ पोल है, अब इस केस में आप देखोगे इस केस से जस्ट उल्टा है, इसमें हमने साउथ और नॉर्थ को एक साथ रखा है, और अगर आप इन बार मैग्नेट्स को एक साथ लाने की कोशिश करोगे तो वो एक दूसरे से जस्ट अट्रैक्ट हो जाएंगे, चिपक जाएंगे। सो इससे हमको ये पता चलता है जो अनलाइक चार्जेस होते हैं, जो अनलाइक बॉडीज होती हैं, दे विल अट्रैक्ट टूवर्ड्स ईच अदर। यही चीज हमारे चार्जेस के केस में भी एप्लीकेबल होती है कि अगर आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव चार्ज है, आप इन दोनों को पास लाने की कोशिश करो, या एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, अगर आप इन दोनों को एक साथ लाने की कोशिश करोगे तो वो एक दूसरे की तरफ ही अट्रैक्ट होंगे इन स्पाइट ऑफ मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर। सो ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं चार्जेस की। So, अभी चार्ज की बात खत्म नहीं हुई है। जो चार्ज होता है हर एक क्वांटिटी जो भी फिजिक्स में लाए करती है उसका एक एप्रोप्रिएट सिंबल होता है, सिंबल मतलब उसको एक सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है, प्लस हर एक क्वांटिटी का एक ऐसा यूनिट होता है, ऐसा यूनिट मींस स्टैंडर्ड इंटरनेशनली एक्सेप्टेड यूनिट। स्टैंडर्ड की जगह पे हम कहीं कहीं जगह पे सिस्टम भी यूज करते हैं, सिस्टम इंटरनेशनली एक्सेप्टेड यूनिट। ओके, सो जो सिंबल होता है वो चार्ज का वो होता है कैपिटल क्यू। कैपिटल क्यू से हम डिनोट करते हैं चार्ज को। अगर आपसे मैं बोलूं कि चार्ज कितना है, सो यू हैव टू ऑलवेज मेंशन विद कैपिटल क्यू इज इक्वल टू व्हाटएवर द क्वांटिटी इज, ठीक है। और उसका जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है कूलम। जब हम चार्ज को मेजर करते हैं ना, जैसे आप शॉप पे जाते हैं तो शॉप अगर आपको कुछ ऐसी चीज लेनी होती है जो जिसका वेट जो लिक्विड फॉर्म में हो, लेट सपोज आप कभी पेप्सी लेने जाओ तो उस पर लिखा रहता है 700 ml, या फिर आप कोई मिनरल वाटर की बॉटल खरीदते हैं तो उस पर लिखा होता है 1 liter। तो जो लीटर और ml है वो उसकी एक मेजरिंग यूनिट है, ठीक है। या फिर अगर आप कहीं से कुछ लेने जाते हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आप वेजिटेबल्स लेने जाते हो तो आप बोलते हो कि इट्स 1 kg, 2 kg, 3 kg, 4 kg। सो kg इज द मेजरिंग यूनिट। उसी तरीके से जो चार्जेस होते हैं उसको हम मेजर कैसे करेंगे, कि मान लो कि मैं बोलूंगा आपसे कि इसमें चार्ज फ्लो कर रहा है, तो कैसे फ्लो कर रहा है, एक चार्ज फ्लो कर रहे हैं दो चार्ज फ्लो कर रहे हैं, कैसे बताओगे सर इसमें दो चार्ज फ्लो कर रहे हैं, ऐसे बताओगे नहीं। चार्ज हमेशा मेजर करते हैं कूलम्स में। अगर आपसे कोई भी पूछे चार्ज कैसे मेजर करते हैं, क्या क्वांटिटी में मेजर करते हैं, आप सिंपली बोलोगे कूलम्स में मेजर करते हैं। कूलम्स में क्यों? एक फेमस साइंटिस्ट थे चार्ल्स अगस्टन कूलम, जिनके नेम जिन्होंने बेसिकली इसकी ऐसा यूनिट दी, या और यू कैन से चार्ज को डिफाइन किया, उनके नेम से ही हमने इसकी ऐसा यूनिट ली जो है, जो कि है कूलम। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय द सिंबल कैपिटल सी ओवर हियर, ठीक है। इतनी बात क्लियर, आगे बढ़े। चलो अब हमारे पास, हमने डिस्कस कर लिया कि हमें पता लग गया कि हाँ इलेक्ट्रिसिटी इज बेसिकली द स्टडी ऑफ चार्ज, और हमने ये भी पता लगा लिया कि चार्ज है तो आया कहां से, चार्ज बेसिकली एटम्स में से मिला हमें, ठीक है। जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं एटम के अंदर उनकी वजह से हमें चार्ज मिला, ठीक है। अब चार्ज की हमने कैटेगरी देख ली और चार्ज की प्रॉपर्टीज देख ली और उसका
कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और एसआई यूनिट क्या है, सब हमने पता कर लिया। अब जो क्वेश्चन हमारे सामने अराइज होता है, अब आप ये तो बोलोगे सर आपने ये तो हमें बता दिया था स्टार्टिंग में कि एक इलेक्ट्रॉन में वन इलेक्ट्रॉन कंसिस्ट ऑफ 1.6 × 10⁻⁹ कूलम्स। आप ये तो बोलोगे सर आपने एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है ये तो हमें बता दिया था स्टार्टिंग में। अब इसका जस्ट उल्टा करके देखें दैट हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल बी देयर इन वन कूलम ऑफ चार्ज। एक कूलम ऑफ चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, कैसे फाइंड आउट करोगे बताओ। हमें यह तो पता है एक इलेक्ट्रॉन में इतने कूलम ऑफ चार्ज है, पर एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे ये कैसे निकालोगे बताओ। चलो सॉल्व करते हैं। अब हमको निकालना है एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। सो सिंपली इसको वन से डिवाइड कर दो। इस क्वांटिटी को आप वन से डिवाइड कर दो। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपकी वैल्यू आएगी 6.25 × 10⁻¹⁸ कूलम्स। ये माइनस 19 जब ऊपर जाएगा एक उससे कैंसिल हो जाएगा तो ये 18 हो जाएगा प्लस 18। सो आप मुझे बोल सकते हो सर एक कूलम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज में हमारे पास 6.25 × 10⁻¹⁸ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि कई बार बोर्ड्स में पूछा जाता है। सो जस्ट नोट इट डाउन। अब हम अपना डिस्कशन करने वाले हैं करंट पे। हमने पता कर लिया करंट इलेक्ट्रिसिटी इज बेसिकली द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज विच इज इन मोशन, ठीक है। सो अब हम बात करते हैं करंट की। अब करंट क्या होता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी तो हमें पता लग गया, अब करंट क्या होता है। करंट होता है बेसिकली द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पर सेकेंड थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टिंग वायर। इसको समझते हैं, एक डायग्राम यहां ड्रॉ कर लेते हैं। ये आपका एक कंडक्टिंग वायर है, लेट सपोज वायर इस शेप का होता है, ठीक है। जब इस वायर में चार्ज फ्लो करेगा, चार्ज मूव करेगा, विद द टाइम टी, ठीक है, जो कि होगा सेकेंड्स में। वेन एवर दिस चार्ज क्यू विल मूव इनसाइड दिस कंडक्टिंग वायर, जब ये चार्ज क्यू इस कंडक्टिंग वायर में मूव करेगा पर सेकेंड टाइम, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पर सेकेंड थ्रू द क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन मतलब ये एरिया, वायर का ये एरिया को बोलते हैं क्रॉस सेक्शन। जब इस एरिया में से चार्ज क्यू हमारा फ्लो करेगा, और उसका मेजरमेंट हम कब कैसे देखेंगे, पर सेकेंड, तब उसको हम बोलेंगे करंट। और सिंपलीफाई वे में समझने की कोशिश करते हैं। जब भी हम किसी भी टर्म्स में, किसी भी डेफिनेशन में या किसी भी टर्म में रेट की बात करते हैं, इस 10th ग्रेड में नहीं, जब आप हायर ग्रेड में भी जाओगे, अगर आप कहीं पे भी रेट की बात कर रहे हो तो उसका सिंपल मीनिंग होता है कि हम एक क्वांटिटी को दूसरे क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में कंपेयर कर रहे हैं। कंपेयर मतलब उसकी तुलना कर रहे हैं, उसको डिवाइड कर रहे हैं। अब यहां सिंपली लिखा है डेफिनेशन में इटसेल्फ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, जो जो लिखा है उसको सिंपली लिखते जाओ, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अब रेट की बात हो गई तो हम किसका रेट देख रहे हैं, चार्ज का। चार्ज को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल क्यू से, इतना हमें पता है। चलो बहुत सही, इतना तो हमें पता है। अब हम चार्ज का रेट देख रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, पर सेकेंड थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर और थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टिंग वायर। अब इस चार्ज का हम देख रहे हैं रेट पर सेकेंड टाइम में। सो हमने सिंपली लिख लिया क्यू डिवाइड बाय टाइम विच इज टी।
टाइम इज इन सेकेंड एंड क्यू चार्ज इज इन कूलम. और ये क्या रिप्रेजेंट करता है? करंट को. करंट का सिंबल होता है कैपिटल आई. कैपिटल आई इज द सिंबल फॉर करंट. सो ये जो फॉर्मूला हो गया, ये ही फॉर्मूला होता है करंट का. करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पर सेकेंड थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर इज नोन टू बी एज करंट. इतनी बात क्लियर? चलो अब ठीक है सर, आपने ये तो बता दिया कि जब कोई इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करता है किसी भी कंडक्टर से, तो जो हम उस इलेक्ट्रिक चार्ज को देखते हैं, उसके फ्लो को देखते हैं पर सेकंड टाइम में, वो करंट होता है. आपने हमें बता दिया, बहुत अच्छी बात है. पर अब इस करंट की आपने हमें बताया था कि हर फिजिकल क्वांटिटी की जो फिजिक्स में एग्जिस्ट करती है उसकी एक सिंबल होता है और उसकी एक स्टैंडर्ड या सिस्टम इंटरनेशनली एक्सेप्टेड यूनिट होती है. हाँ बोला था. तो करंट का अगर आपने बोला है सिंबल कैपिटल आई होता है, तो उसकी भी तो कोई एसआई यूनिट होगी. हाँ होती है, क्यों नहीं होती. सो जो एसआई यूनिट होती है करंट की, वो होती है एम्पियर. क्या होती है? एम्पियर. इसको डिनोट करते हैं बाय द सिंबल कैपिटल ए. अगर आप कभी भी फ्यूचर में कोई भी किसी भी क्वेश्चन में आप सॉल्व करते हो, आपको करंट फाइंड आउट करने के लिए बोला जाता है, तो आपको हमेशा आंसर के साथ उसकी एसआई यूनिट जरूर मेंशन करनी है, अदरवाइज आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे. ठीक है. सो द एसआई यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर. ये भी एक साइंटिस्ट के नेम पे रखा गया है इस एसआई यूनिट का नेम, जिन्होंने इसको बेसिकली फाइंड आउट किया था. उनका नाम था एंड्री मैरी एम्पियर. ठीक है. सो अब हमें तो पता लग गया कि एसआई यूनिट इसकी एम्पियर होती है. पर एक अगर मैं आपसे सिंपल वर्ड से पूछूं कि अब आपको पता लग गया इसकी एसआई यूनिट करंट की है एम्पियर, तो एक एम्पियर को कैसे डिफाइन करोगे आप? हाउ यू विल गोइंग टू डिफाइन वन एम्पियर? अगर मैं आपसे पूछूं कि एक एम्पियर को आपको डिफाइन करना है, आप बोलोगे सर आपने तो सब कुछ आंसर यहां पे दे ही रखा है, हमको तो कुछ नहीं करना, हमको तो बस इसी में से देख के लिखना है. सो एक एम्पियर को आप सिंपली लिख सकते हो द रेट ऑफ फ्लो ऑफ वन कूलम ऑफ चार्ज पर सेकेंड थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर. थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर इज कॉल्ड 1 amps. ठीक है. तो हमने बोल दिया द रेट ऑफ फ्लो ऑफ 1 coulomb ऑफ चार्ज पर सेकेंड थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर इज कॉल्ड 1 ampere ऑफ करंट. हमारा 1 ampere करंट तभी हमें मिलेगा जब हमारा 1 coulomb ऑफ चार्ज फ्लो करेगा थ्रू दिस कंडक्टर पर सेकेंड. तो जब हम उसका रिस्पेक्ट उसको चार्ज को देखेंगे, 1 coulomb ऑफ चार्ज को विद रिस्पेक्ट टू पर सेकेंड टाइम इज नोन टू बी एज अ 1 ampere ऑफ करंट. इतनी बात क्लियर? चलो सो अब हमको अगर मैं आपसे सिंपल इस वे में पूछूं, इस वे में आप इसको कैसे लिखोगे, तो आप सिंपल लिखोगे 1 amps इज इक्वल टू 1C/1S. और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कूलम पर सेकेंड. ठीक है. इतनी बात क्लियर? चलो सो द सम ऑफ द स्मॉल क्वांटिटीज, कुछ जो छोटी क्वांटिटीज हैं करंट की, वो होती है 1 milliampere और 1 microampere. उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं 1 mA और 1 μA. ये उनका रिप्रेजेंटेशन है, सिंबल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ करंट.
ये आपको यूज तब आएगा जब आप कोई क्वेश्चन सॉल्विंग करेंगे, तो उसमें गिवन होगा 1 माइक्रो एम्पियर और 1 मिली एम्पियर, सो यू हैव टू राइट द सिंबल्स ओवर देयर, ठीक है। इनकी एक्यूरेट वैल्यूज भी होती हैं, वो भी मैं यहां पे बता देता हूं। 1 मिली एम्पियर होती है 10^-3 amps और 1 माइक्रो होती है 10^-6 amps। सो जब भी क्वेश्चन में गिवन हो कि अ करंट ऑफ 1 मिली एम्पियर और अ करंट ऑफ 1 माइक्रो एम्पियर इज फ्लोइंग थ्रू अ सर्किट, सो आपको उससे ये समझ जाना है द करंट ऑफ 1 × 10^-3 amps इज फ्लोइंग, 1 × 10^-6 amps इज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। ये एक ऐसी दो क्वांटिटीज हैं, स्मॉल क्वांटिटीज हैं, जो काफी स्टैंडर्ड हैं। सो यू हैव टू रिमेंबर दीज क्वांटिटीज फॉर द क्वेश्चन सॉल्विंग पार्ट, ओके। चलिए अब हम बात करते हैं द डिवाइस यूज टू मेजर द करंट इन अ सर्किट। अब हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात कर ली, करंट की बात कर ली, करंट की ऐसा यूनिट भी पता कर ली। अब जो करंट होता है वो एक पर्टिकुलर सर्किट में मेजर कैसे होता है, कौन सा डिवाइस हम फिट करें अपने सर्किट में ताकि हमें पता लग जाए कि कितना करंट उससे फ्लो हो रहा है, उस डिवाइस का नाम होता है एमीटर। एमीटर इज द डिवाइस फॉर मेजरिंग द करंट इन द सर्किट यूज्ड टू मेजर द करंट इन द सर्किट। अब इसको कनेक्ट करने का भी एक तरीका होता है। तरीका क्या होता है कि एमीटर को जब भी आप सर्किट में फिट करोगे, जब भी आपको किसी भी सर्किट में करंट पता करना है और आपको एमीटर डिवाइस उसमें फिट करना है ताकि आपको सही वैल्यू पता लगे करंट की, तो एमीटर को हमेशा रिमेंबर रखिए, याद रखिए, हमेशा सीरीज कनेक्शन में ही कनेक्ट करना पड़ता है सर्किट में, तभी वो एमीटर आपको उस सर्किट में करंट की सही वैल्यू बताता है। हमने एक ऑलरेडी यहां पे सर्किट डायग्राम ड्रॉ करके रखा है जिसमें हमने यहां पे एक सोर्स लिया है। द सोर्स इज ओवर हियर इज बैटरी। सो जो एक क्वेश्चन मेरा यहां पे अराइज होता है, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, ये जो बैटरी होती है हमें क्या मतलब बैटरी को फिट करने का सर्किट में क्या लॉजिक है, बैटरी इस सर्किट में क्या कर रही है, बता सकता है कोई बैटरी इस सर्किट में क्या कर रही है? आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि बैटरी इस सर्किट में चार्ज फ्लो करा रही है, सही बात है, चार्ज फ्लो करा रही है, पर जो बैटरी है वो एग्जैक्टली कर क्या रही है, बैटरी मतलब बैटरी को कनेक्ट करने का पर्पस क्या है? अगर आपके कुछ कुछ बुक्स में देखोगे तो उसमें लिखा होता है बैटरी इज बेसिकली प्रोवाइडिंग चार्ज, जबकि वो चीज सही नहीं है। बैटरी इज नॉट प्रोवाइडिंग यू द चार्ज, बैटरी इज द सोर्स ऑफ एनर्जी। बैटरी क्या है? बैटरी एक सोर्स है एनर्जी का, बैटरी कुछ नहीं कर रही, बैटरी आपको बेसिकली क्या प्रोवाइड कर रही है, एक सोर्स प्रोवाइड कर रही है एज अ सोर्स, जिससे कि करंट और यू कैन से जिससे कि चार्ज इस जो इस कंडक्टिंग वायर्स में कनेक्टेड जो इस इन कंडक्टिंग वायर्स में ऑलरेडी है बट फ्लो नहीं कर रहा है, वो फ्लो कब करेगा? जब आप उससे बैटरी अटैच कर दोगे, सर्किट कंप्लीट कर दोगे तो चार्ज इनमें से फ्लो कर जाएगा। अगर नहीं करोगे कनेक्ट तो चार्ज फ्लो नहीं करेगा, ये बल्ब ग्लो नहीं होगा, आपको करंट की वैल्यू पता नहीं लगेगी। सो बैटरी इज जस्ट द सोर्स ऑफ एनर्जी, नॉट द सोर्स ऑफ चार्ज, रिमेंबर दैट, ओके। चलिए अब आपने यहां पे बैटरी कनेक्ट कर दी तो उसमें जो चार्ज क्यू था उसने स्टार्ट कर दिया फ्लो करना, वो यहां से फ्लो करेगा, यहां से फ्लो करेगा, यहां से फ्लो करेगा, यहां पे जाएगा, बल्ब से पास होगा, बल्ब से पास होते ही अगर आपका सर्किट कंप्लीट है तो बल्ब आपका ग्लो हो जाएगा लाइक दिस। अब इस पूरे सीक्वेंस में आपने एमीटर यहां कनेक्ट कर दिया, ठीक है, बहुत बढ़िया, अगर आपने यहां पर एमीटर कनेक्ट कर दिया तो जब ये चार्जेस यहां से फ्लो होते हुए इसके थ्रू फ्लो करेंगे एमीटर के थ्रू, तो ये जो एमीटर जो डिवाइस है ये आपका नोट डाउन कर लेगा कि एक सेकंड में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है। यही तो हमारी करंट की डेफिनेशन थी। करंट क्या था? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पर सेकंड थ्रू द कंडक्टर।
कंडक्टर हमारा कनेक्टेड है, तो एमिटर क्या नोट डाउन कर लेगा कि कितना चार्ज एक सेकंड में फ्लो हो रहा है, वही हमारी करंट है। दैट्स व्हाई वी कनेक्ट दिस डिवाइस इन सीरीज टू गेट द वैल्यू ऑफ करंट। ओके, चलो अब जितने कॉन्सेप्ट हमने अब तक डिस्कस करे हैं उन्हीं कॉन्सेप्ट के बेसिस पे यहां पे एक क्वेश्चन है, हमको ये सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन कह रहा है अ करंट ऑफ 0.5 एम्प्स इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट्स, फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोस थ्रू द सर्किट। एक बार समझने की कोशिश करते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास एक करंट है 0.5 एम्प्स का जो कि हमने ड्रॉ किया है फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब से, इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट से 10 मिनट तक के लिए। पहली जो चीज होनी चाहिए आप लोगों की कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हुए, चाहे आप कोई भी कर रहे हो, सबसे पहले तो आपको फिजिक्स में कोई भी क्वेश्चन आए आपको सबसे पहले तो नोट डाउन कर लेना है कि क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, करंट गिवन है हमें, आई दिया हुआ है 0.5 एम्प्स। ठीक है, इज ड्रॉन अ इज करंट ऑफ 0.5 एम्प्स इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट्स, टाइम भी दिया हुआ है 10 मिनट। नाउ फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लो थ्रू द सर्किट। अब ये हमको बोल रहा है कि अब हमें फाइंड करना है क्या, इलेक्ट्रिक चार्ज। तो ये हमको क्यों फाइंड करने के लिए बोल रहा है। सो जो आपका सबसे पहला काम होना चाहिए कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए वो ये होना चाहिए कि आपको सबसे पहले वो सारी चीजें लिख लेनी है जो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, जो कि अब हमने ऑलरेडी यहां पर कर लिया है। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज जो आपको क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए देखनी है वो ये है कि उसकी जो यूनिट्स है वो एक स्टैंडर्ड पैटर्न में है कि नहीं है। स्टैंडर्ड पैटर्न से मतलब यहां पे ये है कि करंट आई हमको एम्प्स में गिवन है बट टाइम हमें मिनट्स में गिवन है। पर आप एक बार अगर अभी रिकॉल करें तो अभी जस्ट हमने जब डिस्कस करा था करंट की डेफिनेशन, तो हमने जब टाइम की बात करी थी तो उसकी स्टैंडर्ड यूनिट क्या देखी थी, सेकंड्स। बट हमारे टाइम गिवन है मिनट्स में, तो हमारा पहला काम क्या होना चाहिए, हमें हमारा पहला काम होना चाहिए कि इन सभी यूनिट्स को स्टैंडर्डाइज किया जाए। स्टैंडर्डाइज मतलब एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड फॉर्म में लाया जाए जो कि इनकी एक्चुअल फॉर्म है। तो हमें टाइम गिवन है 10 मिनट, तो 10 मिनट को अगर आप सेकंड्स में कन्वर्ट करोगे तो ये आपका आएगा 600 सेकंड्स। इतनी बात क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमें पता लग गया हमारे पास करंट है 0.5 एम्पियर का, टाइम हमें हमारे पास है 600 सेकंड, हमको फाइंड करना है इलेक्ट्रिक चार्ज कितना फ्लो होगा क्यू, ये अपना क्वेश्चन है। तो हमको इन तीनों क्वांटिटीज को लेकर कोई रिलेशन पता है इनके बीच का, एनी गेसेस? याद है जब हमने करंट डिस्कस किया था तो हमें एक फॉर्मूला मिला था आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, सही बात है, आई है टी है क्यू फाइंड आउट करना है। तो इस टी को अगर हम इधर ले जाएंगे तो डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आई क्यू इज इक्वल टू आई इंटू टी, बहुत सही। सो क्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.5 इंटू 300 सॉरी इंटू 600, 600 कहां से आया, यहां से। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका वैल्यू आएगी 300 वॉट्स, ऐसा यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। सो 300 कूलम्स, सो चार्ज हमारा कितना हुआ 300 कूलम्स, दिस इज द ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज। सो ये इसका सॉल्यूशन है, सबको समझ में आ गया होगा यहां तक, नोट इट डाउन।